नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ। लोकसभा इलेक्शन का सातवां चरण का चुनाव 1 जून को होने जा रहा है, जिसमें 8 लोकसभा क्षेत्र बिहार से उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों पर, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है। उनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाटलिपुत्रा से, जहां पर आरजेडी से महागठबंधन की ओर से निशा भारती, जो कि लालू यादव की बेटी है, वहीं एनडीए से बीजेपी से रामकृपाल यादव भी है, जो फिलहाल निवर्तमान सांसद है वहां से, और साथ ही साथ ओबैसी की पार्टी एआईएम से फारूक रजा भी है। तो हम जानेंगे कि वहां का क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है। देखिए, ये जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है, ये 2009 में अस्तित्व में आया है परिसीमन के बाद, और 2009 में ही लालू प्रसाद यादव वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े और उनके प्रतिद्वंदी थे जेडीयू से रंजन यादव जी, जो कभी उनके निकट, काफ़ी निकट के थे, और उसमें रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव को लगभग 25,000 वोटों से चुनाव हराया था। जब से परसीमन हुआ है अभी तक, जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उस समय तक आरजेडी वहाँ कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। 2009 के बाद 2014 में मीसा भारती, रामकृपाल यादव चाहते थे कि उनको राजद से टिकट मिले, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनकी जगह पर मीसा भारती को, जो पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने की है, उनको कैंडिडेट बनाया। नेचुरली रामकृपाल यादव ये समझते थे कि वो लालू यादव के इतने निकट हैं, तो पाटलिपुत्रा का सीट लालू यादव अपने बाद वो हमको देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो राजद की कमजोरी है, परिवारवाद वाली कमजोरी, उसी का नतीजा हुआ कि वहाँ मीसा भारती कैंडिडेट हो गई। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो रामकृपाल यादव हैं वो उप महापौर भी पटना नगर निगम के हुए थे। तो एक जिसको कहा जाता है कि जमीन से जो कार्यकर्ता के रूप में, वो राजद के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े थे, और उसके पहले भी 1991 में, 96 में, 99 में भी वो लोकसभा में वो गए थे। वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और एक तरह से कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव के वो दाहिने हाथ थे, लेकिन 2014 में वहाँ जब निराशा हाथ लगी तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आपने देखा कि 2014 में भी उन्होंने मीसा भारती को एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने हराया, और फिर 2019 में भी मीसा भारती को उन्होंने अच्छे मार्जिन से हराया। इस बार का क्या समीकरण? देखिए, ये जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है, ये इसमें पटना रूरल, माने पटना ग्रामीण इलाके का जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है। जो मैं बता दूं कि उसमें मसौढ़ी है, पालीगंज है, मनेर है, फुलवारी है, दानापुर है और विक्रम है। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि यादवों का वोट है, लेकिन भूमिहार मतदाता भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और एक 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 विधानसभा क्षेत्र विक्रम है, वहाँ तो भूमिहार कैंडिडेट ही चुनाव जीतते हैं, जो अभी कांग्रेस से जीते हुए थे, और जो अभी ये जो शक्ति परीक्षण हुआ है उसमें वो उन्होंने सरकार के ओर जाके वोट किया है। तो इस तरह से एक ग्रामीण, कहने को पाटलिपुत्रा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो विधानसभा हैं वही ज़्यादा इसमें हैं। तो यादवों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के यादव रामकृपाल यादव को अपना नेता मानते हैं। उसका कारण ये है कि रामकृपाल यादव उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। उसके अलावा रामकृपाल यादव धरती के आदमी हैं, एकदम जो है सो नीचे स्तर के लोग हैं, और वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। दूसरा जो बड़ा चंक है वो भूमिहार वोटर्स हैं, जो एनडीए के वोटर्स हैं, और इस बार भी जो सूचना वहाँ से आ रही है उसमें भूमिहार वोट्स जो है वो रामकृपाल यादव को ही मिलने जा रहा है। लेकिन वहाँ
लालू यादव के समर्थन में भी जैसे भाई वीरेंद्र हैं या फिर रीतलाल यादव हैं, ये सब लोग जो हैं सो यादव के भी वहाँ मजबूत स्तंभ हैं जो लालू यादव के पार्टी से हैं। तो और माले का भी समर्थन इन्होंने हासिल कर लिया है, चूँकि माले भी महागठबंधन में है, तो माले भी वहाँ, माले का भी दो विधानसभा क्षेत्रों में, पालीगंज में और एक और विधानसभा क्षेत्र में माले का भी, माले के भी कैंडिडेट वहाँ से जीते हुए हैं। तो इस तरह से मीसा भारती और मीसा भारती का भी कोई पक्ष जो है वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो एक बराबरी का टक्कर नज़र आता है। लेकिन एक फैक्टर जो है वो बहुत ही, जो आपने अभी नाम लिया AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, तो ओवैसी ने भी वहाँ पर अपना कैंडिडेट फारूक रजा को बनाया है। फारूक रजा भी मुसलमानों में बहुत ही प्रभाव रखने वाले कैंडिडेट हैं, और जो ओवैसी का अभी जो भाषण हुआ है कल, ओवैसी का वहाँ ये वो उस क्षेत्र में आए थे और ओवैसी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने लालू यादव को टारगेट किया है, और उनका कहना ये है कि लालू यादव मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमान अपना नेतृत्व नहीं उभार रहा है, मुसलमान को चाहिए कि वो अपना नेतृत्व पैदा करे, नहीं तो वो गुलाम बन के रह जाएगा, जो यहाँ बिहार में वो RJD का गुलाम बन के रहा है। उसके अनेकों उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो नेचुरली अगर जो माई समीकरण है, चूँकि मुस्लिम वोट्स भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो माई समीकरण है वो माई समीकरण थोड़ा सा दरकता हुआ नज़र आता है, और माई समीकरण अगर दरके बग गया तो निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा रामकृपाल यादव को मिलेगा। अच्छा, वही नालंदा में JDU से कौशलेंद्र कुमार है, वही माले से सौरभ है, तो क्या लग रहा है वहाँ की स्थिति, क्या लग रही? देखिए, आपको नालंदा के बारे में पता है कि नालंदा जो है वो एक तरह से, नालंदा में जो चुनाव होता है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होता है, वहाँ कैंडिडेट का कोई महत्व नहीं है। जब से नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं तो नेचुरली उनका नालंदा गृह जिला है, तो नालंदा का एक, नालंदा पर उनका एक प्रभाव है, दबाव भी है, और प्लस जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं कुर्मी, वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है और लगभग कुर्मी का वहाँ 5 लाख वोट है, लेकिन जादव भी वहाँ कम नहीं है, 3.5 लाख जादव वहाँ पर हैं, मुस्लिम की संख्या भी है, भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में हैं, और दलित भी हैं, अति पिछड़े भी हैं। लेकिन कौशलेंद्र कुमार जो स्वयं कुर्मी जाति से हैं, वो लगातार पिछले 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं और हैट्रिक बनाने की ओर वो हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार ने उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। वहाँ से आप जानते हैं कि नालंदा में जॉर्ज फर्नांडिस भी 3-3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो और कम्युनिस्ट पार्टी के CPI के हुआ करते थे विजय कुमार यादव, वो भी 3 बार वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि नालंदा ने किसी को निराश नहीं किया है, कभी वहाँ CPI का भी वामपंथी दल से भी उम्मीदवार जीते हैं। और क्या लगता है माले के संदीप सौरभ का क्या? माले के जो संदीप सौरभ हैं ये पालीगंज से माले के विधायक भी हैं, और ये दिल्ली से इनकी पढ़ाई लिखाई, JNU से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग हैं, अभी नौजवान हैं, जादव हैं, ये जो टाइटल नहीं लगाते हैं लेकिन ये जादव हैं। तो नेचुरली फाइट जो होगा वो होगा ही, इसलिए कि 3.5 लाख यादव हैं, तो नेचुरली यादव की सिंपैथी, मुसलमानों की सिंपैथी जो महागठबंधन के साथ है वो रहेगी ही। लेकिन वहाँ करीब करीब, चूँकि नीतीश कुमार का प्रेस्टीज वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए सब लोग लाख वो कुछ भी बोलें, लेकिन अंत में नीतीश कुमार की चूँकि प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ नालंदा का सीट हो गया हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से आज ही हम लोग इसको कह दे सकते हैं कि नालंदा से JDU की ही जीत होगी। अच्छा, सासाराम से शिवेश राम है BJP से, वहीं मनोज कुमार कांग्रेस से है, तो वहाँ का क्या लग रहा है? देखिए, सहसराम जो है सो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, और ये बाबू जगजीवन राम की कर्मस्थली रही है। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से 1952 से लेके 1984 तक, जब तक जगजीवन बाबू रहे, चुनाव जीतते रहे। बीच में सिर्फ 2 बार 1977 में और 1980 में वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, और लास्ट चुनाव उन्होंने 1984 में लड़ा और 1984 में जीते, यानी जगजीवन बाबू कभी वहाँ से हारे नहीं। और बाद में आप देखिए कि उन जगजीवन राम के बाद उनकी पुत्री मीरा कुमारी, जो मीरा कुमार जो
भारतीय विदेश सेवा में थी, वहाँ से वो जो है सो वहाँ से वो आके चुनाव लड़ी और चुनाव में उनकी उनकी भी जीत हासिल हुई। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ उनका उन लोगों का वर्चस्व ख़त्म हुआ और दो टर्म से वहाँ छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और हाँ छेदी पासवान के पहले मुनिलाल राम को भाजपा ने टिकट दिया था और मुनिलाल राम भी तीन बार वहाँ से संसद के सदस्य हुए। तो इस बार जो ये क्या नाम है इनका जो शिवेश राम जो हैं वह वही मुनिलाल राम के पुत्र हैं। मुनिलाल राम जो तीन बार भाजपा से जीत चुके हैं उन्हीं के पुत्र हैं शिवेश राम, जिनको इस बार भाजपा ने टिकट दिया है और छेदी पासवान का टिकट काट दिया है। लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज कुमार, वो भी उनकी हालांकि वो बसपा से चुनाव पिछला चुनाव 2019 में वो बसपा से लड़ चुके हैं और बसपा से उनको लगभग 80-85 हज़ार मत भी उनको मिला था। एक बार वो विधानसभा का भी चुनाव वो लड़ना चाहे थे लेकिन उसमें असफल हो गए थे। उनकी माँ जो है सो बहुत ही मतलब कि एक थी कांग्रेस की लगातार वरीय सदस्या रही हैं, तो वो इस बार हैं। और लेकिन इस बार दोनों सासराम में दोनों रविदास समाज के ही, जिस समाज से जगजीवन राम आते थे, मीरा कुमार आती थी, उसी से दोनों आ गए हुए हैं। तो नेचुरली इस बार जो वहाँ वोट होने जा रहा है उसमें पासवान जाति की थोड़ी नाराज़गी नज़र आ रही है कि भाजपा ने उनको पासवान को टिकट नहीं दिया है। लेकिन चूँकि अभी जो पासवान के जो नेता हैं बिहार के चिराग पासवान जी, वो चूँकि अभी एनडीए के साथ हैं, इसलिए लगता है कि पासवानों की जो 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 नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। और बाकी जो जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जो इस तरह के जो रिजर्व सीट होते हैं वहाँ पर जो अपर कास्ट होता है या और दूसरी जातियाँ जो होती हैं वो निर्णायक भूमिका में आ जाती हैं। तो दोनों चूँकि रविदास हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो भाजपा का कैंडिडेट है वो मुनिलाल राम के लड़के भी हैं, इसलिए उनका एज हमको दिखाई पड़ता है। काराकाट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं निर्दलीय से इस बार भोजपुरी के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर पवन सिंह लड़ रहे हैं। ये राजा राम सिंह भी माले से है, तो क्या लग रहा है वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र था, जब नया परिसीमन हुआ तो उसमें वो काराकाट विधानसभा क्षेत्र हुआ। तो आप देखेंगे कि 2014 में भी उपेंद्र कुशवाहा वहाँ चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांति सिंह जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, चूँकि जादव वोट भी वहाँ पर सिजेबल नंबर में है, तो कांति सिंह आरजेडी से खड़ी थी, उनको उन्होंने हराया था। और साथ साथ उस 2014 में महाबली सिंह भी चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे थे। करीब करीब दोनों के बीच में वोट का अंतर करीब करीब 50,000 वोटों का अंतर दोनों के बीच में था। तो इस तरह से 2019 में फिर महाबली सिंह ने 2019 में, ये जैसा कि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा उस समय महागठबंधन में चले गए हुए थे और महाबली सिंह को जेडीयू का टिकट मिला था, तो महाबली सिंह ने इनको उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है इसमें कुशवाहा जाति के लोग मुख्य भूमिका में होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो वैशाली के रहने वाले हैं लेकिन वो काराकाट में जाते हैं, इसलिए उनसे नाराज़गी भी चल रही है, क्योंकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते नहीं हैं, इसलिए काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन ये अभी सब लोगों से मिलजुल कर ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं मैं पूरा समय दूंगा, यहाँ पर मकान भी बनाऊंगा, रहूंगा भी, तो ऐसा उनका हो रहा है। महाबली सिंह को इस पर टिकट नहीं दिया क्योंकि वो जो एनडीए है उस एनडीए के साथ जेडीयू और ये रलसोपा दोनों हैं, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है। तो वहाँ पर लेकिन इसने माले को टिकट दे दिया है और माले से राजा राम सिंह जो स्वयं कुशवाहा हैं वो जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों कुशवाहा जाति से ही हैं और लेकिन एक जो उसमें काराकाट में जो एक नई बात देखने को आ रही है वो पवन सिंह का फैक्टर आ गया है। पवन सिंह 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और पवन सिंह को पश्चिम बंगाल में
ये जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उनको टिकट भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने टिकट रिफ्यूज कर दिया था। और टिकट रिफ्यूज करके उनके बारे में कहा जाता है कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया, चूँकि आरा से तो भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय उम्मीदवार ही थे, तो वहाँ पर उनका कुछ होता नहीं, तो इसलिए वो आके इंडिपेंडेंट आके लड़ रहे हैं और काराकाट से लड़ रहे हैं। वहाँ पर क्षत्रिय वोट भी सिजेबल नंबर में है, अच्छी खासी संख्या क्षत्रिय की भी है, लेकिन क्षत्रिय लोग को के सामने बहुत असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि क्षत्रिय लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 5 सीट दिया है और कुल जो है सो करीब 8 सीट इन लोगों को NDA में मिला हुआ है। तो अगर काराकाट में क्षत्रिय लोग इंडिपेंडेंट के साथ अगर जाने की भी सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका आगे चल के विधानसभा के चुनावों में इसका असर बहुत ख़राब होगा। लेकिन पवन सिंह पूरे फिल्म जगत के लोगों को उतार रहे हैं, भोजपुरी के वो बहुत बड़े एक्टर हैं और उन लोगों से कर रहे हैं, और नौजवान वर्ग जो है वो पवन सिंह के पीछे थोड़ा ज़्यादा मतलब कि बेचैनी दिखा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि काराकाट में NDA को ही बढ़त मालूम पड़ती है। लेकिन ये जो त्रिकोणीय मामला जो हुआ है उससे थोड़ा सा लगता है कि अगर राजपूत समाज का वोट पवन सिंह के साथ चला गया तो उपेंद्र कुशवाहा को कठिनाई भी हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। साथ अब आपको बताया कि 1 जून को होने वाले 8 लोकसभा चुनाव में से 4 लोकसभा क्षेत्र सासाराम, काराकाट, नालंदा और पाटलिपुत्रा में क्या समीकरण बनता है, तो ये हमारी समीक्षा थी। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।